आप सभी लोगों का स्वागत है और हम आज के इस लेक्चर में जो है वो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के जो स्वरूप और उसकी प्रक्रिया के बारे में जो अध्ययन करेंगे, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अर्थव्यवस्था में कई ऐसे जो टॉपिक होते हैं, कई ऐसे कैलकुलेशन होते हैं, जैसे बजट इत्यादि हुआ, उसके बारे में हम सही अपना राय तभी कायम कर पाएंगे जब हम विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के प्रकार और उसके अंतर को जो है सही तरीके से समझने में समर्थ होंगे। तो अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ होती हैं और उन वस्तुओं का अपना अपना अलग अलग तरीके से जो है महत्व होता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न संदर्भों में उन प्रकार के वस्तुओं के प्रयोग होते हैं, इसलिए उसे हम जो है यहाँ पे समझना उचित समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं उसको दो आधारों पर हम लोग जो है समझेंगे। एक तो मांग एवं पूर्ति के आधार पर, मांग एवं पूर्ति के आधार पर, मांग एवं पूर्ति के आधार पर। दूसरा जो है उत्पादन एवं उपभोग, उत्पादन एवं उपभोग के आधार पर, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के आधार पर, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के आधार पर, मांग एवं पूर्ति यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर। तो ये दो आधार होते हैं जिनके जो है हम बेस बना करके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को समझेंगे। एक तो मांग और पूर्ति के आधार पर पहला जो है वो सामान्य वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके जो है मूल्य में अगर वृद्धि की जाए तो उनका मांग जो है कम हो जाता है। ये दैनिक जीवन में प्रयोग में लाई जाने वाली जो है सामान्य किस्म की सभी जो है वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं, तो ऐसे वस्तुएं जो है वो सामान्य वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं जिनका सामान्य स्थिति में जो है मूल्य अगर बढ़ता है तो उन वस्तुओं के मांग में जो है वो कमी हो जाती है। तो ऐसे वस्तुओं के संदर्भ में अगर हम वक्र का जो है निर्माण करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके की परिस्थितियां बनती है, एक्स एक्सिस और वाई। अब अगर यहाँ पे जो है हम इसको प्राइस कर देते हैं और यहाँ पे हम डिमांड कर देते हैं तो इसका जो वक्र होगा, इस जो है मांग और पूर्ति का जो वक्र होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि इसका मूल्य अगर बढ़ता है तो वस्तु के जो है डिमांड वहाँ पे घट जाते हैं। वस्तु का मूल्य अगर बढ़ता है, जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा वैसे उसका जो है डिमांड कहीं ना कहीं जो है वो घट जाएगा। इस तरीके से इसका वक्र बनेगा, इस तरीके से जो है इसका वक्र जो है बनेगा। तो ये जो है इसका जो है वक्र बनेगा, इसमें मूल्य अगर जो है यहां पर है तो यहां पर जो है इसका डिमांड होगा, लेकिन अगर यहां पर है तो इसका डिमांड जो है यहां घट जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है एक बाएं से दाएं की तरफ जो है एक ऋणात्मक वक्र जो है बनता है। ये सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र होता है। दूसरा इसी में जो है हम वास्तव में गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं हम इसी को मुख्य रूप से जो है बताना चाह रहे थे, क्योंकि सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में तो हम इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हैं मांग एवं पूर्ति के नियम होते हैं, वहां पर मांग वक्र और पूर्ति के संदर्भ में अलग अलग वक्र होता है जो कि इकोनॉमी में जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल नहीं बनते, लेकिन यहाँ पे गिफिन वस्तुओं के बारे में सवाल पूछा जाता है जिसको बताने के लिए हमने सामान्य वस्तुओं के बारे में जो है चर्चा किया। ये सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में जो है एक वक्र होता है बाएं से दाएं की तरफ में, यह ऋणात्मक जो है वक्र होता है जिसमें मूल्य अगर बढ़ता है तो उसकी जो मांग जो है घट जाती है। अब जो गिफिन वस्तुएं हैं, गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो सामान्य वस्तुओं से विपरीत व्यवहार जो है करती हैं, यानी कि यहाँ पे जैसे मूल्य बढ़ने के साथ साथ जो है उन वस्तुओं की जो है डिमांड घट जाती थी, तो इसमें क्या होता था कि मूल्य जो है घट अगर रही है तो उसकी मांग भी घट जाती थी, और मूल्य बढ़ता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब ये कैसे हो सकता है? ये कुछ ऐसे वस्तुओं का समुच्चय होता है जो कि समाज में प्रतिष्ठा के विषय के रूप में माने जाते हैं। तो उन वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि यदि उसके मूल्य घट जाते हैं तो
तो लोगों में ऐसा प्रतीत होता है कि अब इस वस्तु का प्रयोग करने से हमारा जो है प्रतिष्ठा का स्तर जो है समाज में घटेगा, और यदि उसके मूल्य बढ़ जाते हैं तो ये माना जाएगा कि अगर इसका जो है मांग हम करते हैं या इसको प्रयोग में लाते हैं तो वह हमारे प्रतिष्ठा का जो है एक विषय मान सम्मान का रहेगा। तो ऐसी स्थिति में वह कुछ वस्तुएं होती हैं जिनके जो है मूल्य बढ़ने के साथ साथ जो मांग बढ़ जाती है, मूल्य बढ़ने के साथ साथ जो है वो मांग बढ़ जाती है। अब यहां पे एक्स एंड वाई पे अगर हम इसको देखते हैं तो इसका वक्र जो है वो इस तरीके से होता है, यानी कि जो है पी और डिमांड यहाँ पे ये है, मूल्य अगर बढ़ रहा तो देखिए यहाँ पे डिमांड भी बढ़ जा रहा है। तो इस तरीके से जो ये कुछ ऐसे जो है वक्र होते हैं जो कि सामान्य वस्तुओं के जो है संदर्भ में मांग और पूर्ति के जो वक्र को जो है विपरीत रूप में जो है दिखाते हैं। तो इस तरीके से सामान्य वस्तुएं और दूसरी हो गई जो है गिफिन वस्तुएं, यानी कि जो है विपरीत व्यवहार को जो है प्रदर्शित करती हैं समाज में प्रतिष्ठा के जो विषय के रूप में ये जो मानी जाती हैं। तो ये रही जो है सामान्य वस्तुएं और गिफिन वस्तुएं, इनके बारे में भी कई बार जो है सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने जो उसको गिफिन वस्तुओं को यहाँ पे बताना चाहा। दूसरा है उत्पादन एवं उपभोग के आधार पर जो है प्राथमिक वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं। तीन प्रकार के जो है वस्तुएं होती हैं, प्राथमिक वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं। इन दोनों को जो है हम ज्यादा प्रयोग में जो है देखते हैं, और जब हम बजट की बात करते हैं तो वहां पर हमेशा राष्ट्रीय आय का जब अध्ययन किया जाता है तो राष्ट्रीय आय में किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय के अंतर्गत जो है उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही आपका जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो यहाँ पे अंतिम वस्तुओं की जो है चर्चा की जाती है और एक मध्यवर्ती वस्तु होती है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके सीधे किसी वस्तु का जो उत्पादन किया जाता है वो हमारा जो है प्राथमिक वस्तुएं हो जाती हैं, जैसे गेहूं का उत्पादन मान लीजिए किया गया। गेहूं का उत्पादन भाई बीज को मिट्टी में जो है दबा दिया जाता है, एक निश्चित तापमान होता है, वर्षा होती है, तो इस प्रकार से जो है प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर वस्तुओं को सीधे उत्पादित कर लिया जाता है, प्राथमिक वस्तु में आ जाता है। अब इस वस्तु के जो है स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है और इससे जो है हम आटा बना देते हैं। अब इस आटे का दो तरीके से उपयोग संभव है, एक तो ये कि आटा डायरेक्ट उपभोक्ता के पास पहुंच जाए और वह जो है इसका उपभोग कर ले, यानी कि यह किसी तीसरे प्रकार के वस्तु न बनाया जाए और बना करके तीसरे वस्तु को जो है पुनः चौथे व्यक्ति को न दिया जाए, बल्कि वो सीधे जो है आटा को उपभोक्ताओं के पास दे दिया जाए और वो उसका जो उपभोग कर ले, तो ये तो अंतिम वस्तु हो जाएगा। लेकिन यदि जो है इस आटे से पुनः जो है बिस्किट बनाया जाए और इसको जो है उपभोक्ता के पास भेजा जाए तो अब यहां पर जो है ये बिस्किट जो है अंतिम वस्तु होगा, अंतिम वस्तु, और ये जो आटा है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा। तो इस तरीके से उत्पादन और उपभोग के आधार पर तीन प्रकार की वस्तुएं होती हैं, और जब हम इकोनॉमी में जो है आय के राष्ट्रीय आय या बजट के संदर्भ में बात करते हैं तो हमेशा हम जो है अंतिम वस्तु की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम मध्यवर्ती वस्तुओं को भी ले लेंगे तो वहां पे अर्थव्यवस्था में मूल्यों के दोहराव की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और हम अर्थव्यवस्था के एक एग्जैक्ट फिगर को जो है नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जो है यहाँ पे मध्यवर्ती वस्तुओं के बजाय हमेशा अंतिम वस्तु और सेवाओं को लिया जाता है और उन्हीं का जो है एक निश्चित मूल्य मान करके मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है और जिसका जो है कुल राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है व्यवस्था रही जो है मांग एवं पूर्ति के आधार पर तथा उत्पादन एवं उपभोग के आधार पर वस्तुओं के जो है प्रकार, इन वस्तुओं के प्रकार से संबंधित चीज़ों को जो है इसलिए बताया गया क्योंकि अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है और इनसे जो है प्रारंभिक परीक्षा में भी सवाल पूछे जाते हैं।
तो इसके आधार पर अर्थव्यवस्था के अन्य टॉपिक्स को समझने में आपको मदद मिलेगी। तो इकोनॉमी के जो है इस संक्षिप्त लेक्चर में हम लोगों ने आज वस्तुओं के विभिन्न प्रकार को जो देखा, जो कि अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप में जो समझने में आपका मदद करेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि अर्थव्यवस्था को समझने में यह लेक्चर आप लोगों का मदद करेगा। पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।